तो बजट से पहले आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। पीएम मोदी बजट सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर में मीडिया से उन्होंने बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीत, चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं ये आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद और दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए हमारी मदद करेंगे। तो यानी एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है तमाम दलों से, सांसदों से, कि वो पॉजिटिव चर्चा के साथ आगे बढ़ें ताकि देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सके। भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन, पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मदद रूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, माननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो। वही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो पेगासस का मुद्दा संसद में उठाएंगे। दूसरी पार्टियों से सरकार के रुख पर बात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है ओम बिरला को भी, और ये मुद्दा हम सत्र में उठाएंगे। यानी कि विपक्ष ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि ये सत्र भी हंगामेदार रहने वाला है। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि दूसरों पार्टी के नेताओं से भी पूछेंगे और इसको किस ढंग से हम उठाना है, और ये अकेले उठाए बात और है, हर पार्टी उठाना चाहती है, लेकिन सब मिलके कब उठाना, किस वक्त इसको लेके जाना, इसके लिए हम सभी से पूछताछ करेंगे। और पेगासस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे डेमोक्रेटिक ढांचे को कमजोर कर रहा है, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमजोर कर रहा है, हमारे आज़ादी छीन ले रहा है, और लोगों के जितने भी है प्राइवेसी है वो भी छीन ले रही है। इसके लिए तो हम पूरे लोग एक होके पहले भी लड़े हैं, अब भी उसके बारे में लड़े हैं। ये लोग ऐसे जासूसी के जेम्स बांड हैं जो रिटायर होने के बाद भी
इनको जासूसी का भूत इनको जो है वो समय समय पर जो है परेशान करता है, और उसी भूत की सनक है कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपने होम मिनिस्टर की जासूसी करा दी, फाइनेंस मिनिस्टर की जासूसी करा दी, तो इनको लगता है कि सभी लोग जासूस हैं और सभी लोग जासूसी करा रहे हैं, क्योंकि इनका अनुभव बहुत इस मामले में बहुत पुराना और पक्का है। एक पुरानी गाना है ना कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, तो इनकी दिक्कत ये हो गई कि सब इनको जो है, क्योंकि इन्होंने इतनी जासूसी की कराई है और इतने बड़े जासूसी के जेम्स बॉन्ड हैं कि वो इसमें हमेशा लगे रहेंगे। इसे कहते हैं कि सेल्फ गोल का जो है वो हैट्रिक बनाना और नो बाल का जो है वो हिस्ट्री बनाना। तो अब ये नो बाल की हिस्ट्री बनाने में लगे हैं, सेल्फ गोल करने में लगे हैं, तो ये उनकी अपनी समस्या है। तो इस वक्त राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति सदन से विदाई लेते हुए और साथ ही साथ अभिनंदन करते हुए, तमाम सांसदों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई, सरकार की तमाम बातें गिनाई, हर साल की तरह राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आज आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे निर्मला सीतारमण उसके बाद सदन में पेश करेंगी, पटल पर रखेंगी, शाम को उसके बारे में बाहर आते हुए वित्त सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कल बजट पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष तैयार खड़ा है कि वो किसी भी तरीके की चर्चा के लिए तैयार नहीं है। पैगसस एक बड़ा मुद्दा है, तो कल भी क्या ऐसा होगा कि जैसे पिछली बार बजट के दौरान हमने देखा था कि हंगामे के बीच ही, विपक्ष के वॉकआउट के बीच ही बजट को पेश करना पड़ा था, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति भवन वापस जाते हुए बजट सत्र लगभग एक तरीके से पूरे साल का खाका खींच देता है, क्योंकि तीसरी कोरोना की लहर और इस बीच तमाम आर्थिक चुनौतियों से जूझता हुआ भारत और उन सब से राष्ट्रपति न केवल जूझता हुआ बल्कि निकलता हुआ आज भारत। अभिभाषण की शुरुआत देश के वीरों को नमन करते हुए रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, हर साल की तरह राष्ट्रपति इस वक्त अभिनंदन स्वीकार करके वापस जाते हुए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री, अब आर्थिक सर्वेक्षण होगा और फिर उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष के जिस तरह से तेवर नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कल शांतिपूर्वक तरीके से बजट ऐसे पेश किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो हंगामा और चर्चा के लिए अभी सड़ा है। बिल्कुल सचिन, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेगासस बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के लिए शायद पेगासस बहुत बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पिछले सत्र में इसको लीड भी की थी ऑपोजिशन से, लेकिन लगता है कि जो लेफ्ट पार्टियां हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, उनके लिए महंगाई बड़ा मुद्दा हो सकता है। अकाली दल के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, बसपा के लिए किसानों का मुद्दा हो सकता है, जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर 370 मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर जैसा कि पिछले सत्र में हुआ था, इस सत्र को भी धोने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कल जब बजट निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पेश करेंगी कि तो आप मान के चलिए कि उस समय जबरदस्त हंगामा होगा, हो सकता है कि ऑपोजिशन के कुछ पार्टियां या कुछ सदस्य वेल में भी चले जाएं और वहां पर भी जाकर हंगामा करें। बड़ी मुश्किल से फिर जिस तरह से वित्त मंत्री को बजट पेश करना होता है, तो जाहिर सी बात है जो अगली सीट पर बैठ के करती हैं, हो सकता है कि उनको पीछे की सीट पर बैठा कर ही पेश करना पड़े, ऐसे भी हालात हो सकता है कि पैदा कर दे, क्योंकि पेगासस में जिस तरह के राहुल गांधी का रूप दिख रहा है और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस किसी भी सूरत में इस आम बजट को अमूमन आसानी से पेश करने नहीं देगी ऐसा लग रहा है। जाहिर सी बात है इतनी आसानी से पेश नहीं करने देगी, लेकिन ये राष्ट्रपति का अंतिम अभिभाषण था। इस वक्त वापस राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हुए रामनाथ कोविंद, लगभग पूरे साल का खाका कहीं ना कहीं इसमें मौजूद रहता है, जिसमें किसानों पर बात की गई, किसानों को किस तरीके से लाभ पहुंचाया गया, कितने लाभार्थी किसान थे, उसके अलावा कैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि सम्मान योजना का लाभ जो है वो हर परिवार तक पहुँचा, कोरोना काल में भी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत किस तरीके से आगे बढ़ता रहा। तो ये प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड एस्कॉर्ट करते हुए इस वक्त सलामी देते हुए रामनाथ कोविंद इस वक्त वापस जाते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद रवाना हो गए। और अब आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे होगा, फिर उसके बाद कल बजट पेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री की अपील कि खुले मन से चर्चा की जाए। इस बार विपक्ष जो है खुले मन से चर्चा करे ताकि इस देश को आगे बढ़ाया जा सके, देश की तरक्की के लिए। और ये पूरा जो सत्र है, सत्र का वक्त है, वो कंस्ट्रक्टिव हो, वो पॉजिटिव तरीके से यूज किया जा सके। नीतियों को प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।